हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही खूबसूरत से ग्लिटरी ब्लैक स्मोकी आई मेकअप, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। चंकी ग्लिटर्स कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगी। 2 मिनट का ये मेकअप है, आप हैरान हो जाएंगे, इतना ईजी। और हम यूज़ करेंगे आज हरीम फातिमा की मेकअप प्रोडक्ट्स। तो जल्दी से इस मेकअप लुक को स्टार्ट करते हैं। आईब्रोज और बेस मैंने पहले से डन कर ली थी। अच्छा, ऑलवेज़ रिमेंबर कि जब आप ग्लिटर मेकअप करेंगे तो अपनी आइज़ के नीचे इस तरह से लूज पाउडर को लगा लेंगे भर भर के। और उसके बाद ग्लैमर स्पेस की पैलेट से मैं लूँगी ब्लैक कलर का शेड एक छोटे से राउंड ब्रश पे, और उसको मैं अपनी सॉकेट लाइन में जो है वो अप्लाई करूँगी। आप देखते जाइएगा, बस एक चीज़ याद रखनी, ब्लैक कलर को बहुत ही ज़्यादा आपने केयरफुली हैंडल करना होता है। बहुत आराम आराम से आपने ब्लेंडिंग करनी है, कलर को फैलाना नहीं है। एक लाइन ड्रॉ की और अंदर की तरफ आपने कलर को ब्लेंड किया। इसके बाद सेम ब्रश में, राउंड छोटे से ब्रश में मैंने डार्क ब्राउन से शेड लिया है। उसके बाद ये जो लाइन है क्रीज की, इसको ब्लेंड करना स्टार्ट किया है। ब्लेंडिंग इज़ द की, हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करते रहेंगे ताकि कोई हार्श लाइन ना नज़र आए। इसके बाद एक फ्लफ़ी ब्रश लेंगे, फ्लफ़ी ब्रश पे मैंने लेना है रस्ट कलर का शेड, और उसके बाद मैं इसको क्रीज के ऊपर वाली एरिया में हल्के हाथ से ब्लेंड करूँगी। इस पूरी शेड को अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लेना है, और कॉर्नर की तरफ से भी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर लेनी है, बहुत ज़्यादा कलर को बाहर नहीं निकालना। इसके बाद हरीम फातिमा कॉस्मेटिक्स का मैं चंकी ग्लिटर यूज़ करूँगी शेड 6। ब्लैक कलर के चंकी ग्लिटर्स हैं, ये बहुत ही बेहतरीन ग्लिटर्स हैं, मतलब मैजिकल ग्लिटर्स हैं। कोई ग्लू की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फिंगर पे मैंने लिया है, जस्ट 1 स्वैप पे ये पिक होते हैं, और ऐसे ऐसे आराम से आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आराम से अप्लाई हो जाएंगे। आईलेट पे ग्लिटर लगाने के बाद हरीम फातिमा कॉस्मेटिक्स का नंबर 1 इंटरफेरेंस शेड यूज़ करूँगी, विच इज़ गोल्डन शेड। और इस शेड को मैं बारीक से ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी, और उसके बाद इसी शेड को हम अप्लाई करेंगे अपनी टियर डक्ट पे अच्छी तरह से, और थोड़ा सा नीचे की तरफ इस शेड को लगाएंगे टियर डक्ट की साथ साथ। और इसके बाद हम ये जो लूज़ पाउडर है इसको डस्ट ऑफ कर लेंगे अच्छी तरह से, तो ये आपके सामने निकल के आएगा आई मेकअप। इसके बाद अप्लाई करेंगे काजल। काजल अप्लाई करने के बाद हमने डार्क ब्राउन सा शेड लेके इस काजल को अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे ब्लेंड करना है छोटे से ब्रश की हेल्प से। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर, जो कि बहुत ही बारीक सा प्रिसाइज सा आईलाइनर अप्लाई करना है, बहुत ही बारीक सा विंक निकालना है, बहुत बड़ा सा आईलाइनर अप्लाई नहीं करना। लास्ट में अप्लाई करेंगे आईलैशेस। आईलैशेस अप्लाई करने के बाद हमारा जो आई मेकअप है वो उठ कर आएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा, आप देखेंगे। लाइट से आईलैशेस हम अप्लाई करेंगे, मस्कारा अप्लाई करेंगे, और उसके बाद ये लुक हो जाएगी कंप्लीट। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो हरीम फातिमा कॉस्मेटिक्स को ज़रूर DM करें, बताएं उनको, ख़रीदें उनसे कॉस्मेटिक्स, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं उनकी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।